हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉकेट स्टडी एजुकेशन चैनल रे मु आलोक आपण मानंकु स्वागत करुछि। तबे आज हम डिस्कशन करिबा ओडिसा कंबाइंड कॉलेज लेवल परीक्षा पई मोस्ट प्रोबेबल ओडिया क्वेश्चन गुडी को जहा कि आपणकर परीक्षा रे आसीबार संभावना बहुत रहउछि। तेनु वीडियो को प्रथम रु लास्ट पर्यंत निहाति देखंतु एवं जे माने हमर चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करिनाथि चैनल को सब्सक्राइब कर देबा सहित बेल आइकन को मध्ये प्रेस कर दियंतु जहा फळरे आपण लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी रु जल्दी पाई परिबे। तबे चालंतु डिस्कशन को आरंभ करिबा। तो देखंतु प्रथम क्वेश्चन आपणकर देखंतु देतिला करण कारक रे केम विभक्ति हुए। तो देखंतु एटा आपणकर ओसीजीएल माने ओडिसा कंबाइंड कॉलेज लेवल रो 11/10/2022 रो फर्स्ट शिफ्ट रे क्वेश्चन टी पचारथला ओडिया रे। तो करण कारक रे सबोळे तृतीय विभक्ति होइथाय। तो मन रखु कारक विभक्ति आप क्वेश्चन पचार मोस्टली आप ओसीजीएल मैंने कंबाइंड कॉलेज लेवल परीक्षा। तो आज सेकेंड इयर जो परीक्षा रही है से आप कारक विभक्ति क्वेश्चन आसवर संभावना बहुत रही। तेनाली भल भाव देखिकी जी करण कारक सब के विभक्ति हम तृतीय विभक्ति हम। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही अपादान कारक के विभक्ति होता है। तो देखो अपादान कारक सब पंचमी विभक्ति हम मन रखु अपादान कारक पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही संप्रदान कारक के विभक्ति होता है। संप्रदान कारक आपणकर चतुर्थी विभक्ति होता है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही कर्म कारक के विभक्ति होता है। तो कर्म कारक सब द्वितीय विभक्ति होता है। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही अधिकरण कारक के विभक्ति होता है। देखो अधिकरण कारक सब सप्तमी विभक्ति होता है। अधिकरण कारक कौन हम सप्तमी विभक्ति हम। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही विच्छिन्नता सूचन क्यों कारक हुए। तो देखो विच्छिन्नता मैंने जितने मैंने किसी छिड़ूद जमी आप गछर पत्र पड़ा मैंने छिड़ला। तो देखो यठार मानने सूचना कौन मिलूँ ये छिड़ू तो से हम आपर उपादान कारक। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही अधिकरण कारक केत प्रकार। देखो अधिकरण कारक आम दुई प्रकार। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप कौन पचार क्रियाज विशेषण। देखो क्रियाज विशेषण कौन क्रियार जात हो विशेषण को क्रियाज विशेषण कह जाए। जमी उदाहरण आम देखा शोला पुअर भाग नहीं ये देखते आप क्रियार विशेषण टाइम शोला तो शोलाटा यठार क्रियाज विशेषण। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही निमित्तार्थक शब्द जगह के विभक्ति हुए। देखो निमित्तार्थक शब्द जगह आम सब चतुर्थी विभक्ति होता है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही जो पद कौन से नाम को प्रकाश करे ताको कौन कह जाए। देखो जो पद कौन से नाम को प्रकाश करी थाए ताको आमर विशेष पद कह जाए। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही देखुवा क्रियापदर प्रेरणात्मक क्रिया कौन हम। तो देखो देखुवा क्रियापदर प्रेरणात्मक क्रिया हम देखा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही जो वर्णगुड़िकर उच्चारण से स्वरतंत्री कंपित हुए से गुड़िक क्यों व्यंजन। देखो यठार सठिक उत्तर हम सघस व्यंजन। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही जो शब्द व्युत्पत्ति प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ को प्रकाश कैर ताक कि शब्द कह जाए। देखो ताक आम जौगिक शब्द कह जाए। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही ओडिया वर्णमाला मध्य क्योंटी एक युक्ताक्षर। देखो ओडिया वर्णमाला मध्य आम क्षयटा सब बड़े गोटे युक्ताक्षर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही जो क्रियापद द्वारा वाक्य शेष होता है ताक क्यों क्रिया कह जाए। तो देखो जो क्रियापद द्वारा आम वाक्य शेष होता है ताक आम समापिका क्रिया कह जाए। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही जो विशेष गुड़िक देखा स्पर्श करी हुए ताक कि विशेष कह जाए। तो ताक आम मूर्तवाचक विशेष कह जाए। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही देखो ओडिया ध्वनि। तो शब्द प्रकाशर मध्यम हो दुईटी बुझिले शब्द प्रकाशर मध्यम हो दुईटी गोटे हूँ ध्वनि गोटे हूँ वर्ण। शब्द हेउची ध्वनि मानकर समाहार जदि पचारा शब्द का मानकर समाहार तो ध्वनि मानकर समाहार हेउची आमर शब्द वर्ण हेउची ध्वनिर सांकेतिक रूप एटा आपण दुटा मन रखिले। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही ओडिया भाषा उच्चारण पद्धति सहित संपृक्त ध्वनि समूह को दुई भाग में विभक्त कराए गोटे हूँ स्वर ध्वनि गोटे हूँ व्यंजन ध्वनि। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही स्वरध्वनि होची जेन ध्वनि उच्चारण कौन बाधा न पाई प्रभावित हुए ताक स्वरध्वनि कह जाए। एग्जाम्पल आम देखा आठ गोटी स्वरध्वनि रही ओडिया रे गोटे हूँ अ आ ई उ ए ओ ऐ औ। तापर व्यंजन ध्वनि देखते व्यंजन ध्वनि आपंकर अच्छी व्यंजन ध्वनि गुड़िकर उच्चारण समय मानने कौनसीना कौन बाधा रही है। देखो व्यंजन ध्वनि आम बाधा रही है कि आम स्वरध्वनि बाधा न थाए प्रभावित होता है भलरे। तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट भितर आप ओडिया रे जो व्यंजन ध्वनि गुड़िक रही उच्चारण विधि उच्चारण स्थान अनुजाई होता है गोटे हूँ स्पर्श ध्वनि संघर्ष ध्वनि लोड़ित ध्वनि पार्श्विक ध्वनि उत्क्षिप्त ध्वनि। तो युड़ मोस्टली आप परीक्षा पचारे
तो एथिरे आपण देखंतु कोन रहिछि ओ अर्ध व्यंजन आदि भाग रे विभक्त करा जाय। नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट आपण रहिछि स्पर्श व्यंजन ध्वनि। देखंतु आपणकर एही क्वेश्चन गुडी को मोस्टली परीक्षा रे पचार थिला। तो देखंतु आपणकर कोन रहिछि प फ ब भ। तो प फ ब भ जदि आपणकर देथबो ऑप्शन रे तरे ओष्ठ्य स्पर्श व्यंजन ध्वनि त आपण एटा डायरेक्ट क्लिक करि पेरि ओष्ठ्य स्पर्श व्यंजन ध्वनि आपणकर डायरेक्ट देथबो। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपण रहिछि तथ दध। तथ दध देथिले आपण दंत्य स्पर्श व्यंजन ध्वनि या से द ट ठ ड ढ। त आपण एटा देथिले मूर्धन्य स्पर्श व्यंजन ध्वनि क ख ग घ। जदि आपण देथबो कंठ्य स्पर्श व्यंजन ध्वनि हबो। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपण रहिछि ओडिया नासिक ध्वनि कोटा ण ण न म। त आपण एटा देखि परथियो ओडिया नासिक ध्वनि होछि एटा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपण रहिछि संघर्ष ध्वनि। देखंतु संघर्ष ध्वनि यदि आपण पचारला संघर्ष ध्वनि होची स ह। तापर स्पर्श संघर्ष ध्वनि कोटा च छ ज झ एटा होची स्पर्श संघर्ष ध्वनि। नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट आपण रहिची लोडित ध्वनि। लोडित ध्वनि कोटा रटा। पार्श्विक ध्वनि कोटा पार्श्विक ध्वनि होची आपणकर पार्श्विक ध्वनि होची आपणकर ल ल। नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट आपण रहिची उत्क्षिप्त ध्वनि कोटा उत्क्षिप्त ध्वनि होची आपणकर ड ढ। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपण रहिछि ओडिया अर्धस्वर कोटा य व य व एटा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपण कोण रहिछि नेक्स्ट आपण रहिछि स्वर वर्ण। तो देखंतु स्वर वर्ण आमर 11टा स्वर वर्ण रहिछि। तो सेगुडी कोण कोण अ आ इ ई उ ऊ रु ए ऐ ओ औ। तो 11टा स्वर वर्ण आमर रहिछि जेंतरे के आपण ए जो देखि परथबे रूट आपणकर व्यवहार होनी माने डबल रु जोटा रहिछि रु एटा व्यवहार नाही बर्तमान ओडिया रा व्यवहार हो नै थबारु ताको स्वरवर्ण कह जाऊ नै। तो एई दिटा आपण मोस्टली मन रखंतु स्वरवर्ण कह जाऊ नै। त आपण जो ई चिन्हटा रहिछ एटा कोन कह जाय आपण डी कमेंट रे निहाती मेंशन करिवे। नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट आपण रहिछ व्यंजन वर्ण। तो देखंतु व्यंजन वर्ण कोन ओडिया भाषा रे हमर 39 गोटी व्यंजन वर्ण रहिछ सेगुडी को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि गोटे होछि वर्ग व्यंजन गोटे होछि अवर्ग व्यंजन। नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट आपण रहिछ वर्ग व्यंजन आमर कौन रही। देखो वर्ग व्यंजन आम रही क ख ग घ उ छ ज झ नि ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। तो ये 25 गोटी वर्ग व्यंजन रही पांच भाग में विभक्त कराई। तो आपन क्वेश्चन डायरेक्ट वर्ग व्यंजन उपर ही आसूँ। देखो क ख ग घ उटा हूँ कंठ वर्ग। तो आपड़ पचार क ख ग घ उटा को वर्ग। तो आप लिखे कंठ वर्ग। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपड़ रही च छ ज झ न छ छ ज झ नि। तो च छ ज झ निटा कौन आसे तो तालव्य वर्ग। तो आप तालव्य वर्ग ही लिखे। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपड़ रही ट ठ ड ढ ण ट ठ ड ढ ढा कौन मूर्धन्य वर्ग। तो आप मूर्धन्य लिखे। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपड़ रही त थ द ध न त थ द ध ना कौन आसे दंत्य वर्ग। यहाँ दंत्य वर्ग मोस्टली पचारे तो मोस्टली मन रखीदे प फ ब भ मटा कौन प फ ब भ म होची ओष्ठ्य वर्ग। तेबे एमानक मध्यरु नियटा व्यवहार नगण्य। तो आपण देखते ये जो टोटालटा रही टोटालटा आपड़ मन रखी जी कारण आप डायरेक्ट क्वेश्चन ये आसो।